दोस्तों, तो इतना सारा सामान आ गया। देखो भाई, दोस्तों तुम्हारा भाई नहा के एकदम से हो गया रेडी। कपड़ा वड़ा भी पहन ले, देखो नया कपड़ा पहन लिया भाई, नया टी शर्ट कल ही भैया लाया और मैंने ही इसका उद्घाटन कर लिया भाई। लेके आ गया हूँ दोस्तों बिस्किट, तो अभी खाते हैं भाई। तो दोस्तों तो बाजार आ गया हूँ, यहाँ के बाइक को पार्क कर दिया हूँ और ये देखो बाजार भाई। तो दोस्तों घर आ गया हूँ, बट मेरे को वही अपना काम करना है, तो फटाफट चलते हैं भाई बाइक ही में फटाफट, उसके बाद फिर करते हैं भाई वो काम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय लोग। तो दोस्तों आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई अभी मॉर्निंग टाइम में ही, और अपन लोग करने वाले हैं घर का काम, जैसे कि आप लोगों को कल के व्लॉग में बताया था भाई, पिछले कल के व्लॉग में। तो अभी दिखाने वाला हूँ भाई कि क्या चीज को भाई ऊपर टांगने वाले हैं। सो दोस्तों, तो ये जो सामान दिख रहा है आप लोगों को, दोनों टीपा के छोड़े भाई, बाकी सामान और कुछ और है जो बाकियों के रूम में है, उन सभी को भाई सामान को लाना है और फिर इस छोटे से कमरे में डालना है भाई अंदर में, इसीलिए भाई इसको बनवाया है, और धान वगैरह भी रखने के लिए भाई। तो सभी के रूम से भाई सामान वगैरह जो भी है जो यूज नहीं करते हैं वो सब अंदर जाने वाला है भाई, और काफी सही भी रहेगा, उसके बाद फिर खाली खाली दिखेगा रूम। जैसा कि मेरा रूम दिखता है भाई, वहाँ पे एक ब्लैंकेट है मेरा, कपड़ा ये वगैरह जो भी है, डॉक्यूमेंट्स है साइड में, और नीचे में बैग, सैंडल, यहाँ का ट्राइपॉड है ये भी उस रूम में जाने वाला है, एक मिरर है, और मेरा सोने का भाई बाजवट, बस और कुछ नहीं है, ऐसे ही रहेगा सबके रूम में, जो जो यूज करते हैं वही बस रहेगा, बाकी तो कुछ नहीं भाई। सही है भाई, अभी सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में अच्छा बाल वगैरह सेट होता है भाई, बट बाद में क्या हो जाता है पता नहीं, बट अब सही है। बॉडी वाला दिख रहा है भाई, बॉडी वॉडी दिख रहा है क्या है। तो दोस्तों तो काम करने से पहले भाई नींबू पानी पी लेते हैं, यहाँ का मम्मी रख दी है। सो दोस्तों तो काम वाम कम्प्लीट हो गया है और अभी करने वाला हूँ वर्कआउट, तो फटाफट करते हैं दोस्तों। तो वर्कआउट वगैरह कंप्लीट हो चुका है और अभी नहाने जाने का प्लानिंग है भाई, तो चलेंगे अपने रोड जो बोल रहा है भाई साइकिल में भाई। और यहाँ का नया आ गया भाई NS125, कल ही लाया भैया जी, और SV को छोड़ दिया भैया के पास, अभी ऑन है भाई गाड़ी, जिस्ट अभी भैया नहा के आए थे ना स्नान करके। तो दोस्तों तो तुम्हारा भाई नहा के एकदम से हो गया रेडी, कपड़ा वड़ा भी पहन ले, देखो नया कपड़ा पहन लिया भाई, नया टी शर्ट कल ही भैया लाया और मैंने ही इसका उद्घाटन कर लिया भाई, क्या सही दिख रहा है यार, एकदम झोलो बोलो नीचे का भी देखो ना, झोलो बोलो सही है, एकदम छोलो बोलो भाई, जैसे बड़े लोग पहनते नहीं है, ट्रिगर इंसान पूरा इंसान, और जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं अजीत यादव वगैरह लोग, एक झोलो बोलो अच्छा लग रहा है मेरे को भी। तो दोस्तों तो अभी मैं दुकान जा रहा हूँ भाई बिस्किट लाने के लिए, उसके बाद फिर बिस्किट खाते खाते मूवी वगैरह देखेंगे, NS में जाएंगे, NS को छोड़ के चले गए हैं 3 दिन के ट्रिप में दोनों भैया, उनको लेके चले गए ना वही काम सिखाने के लिए, हमारे मंजरे भैया, उनको एक्सपीरियंस है इन सभी चीज़ों का, बड़े भैया को नहीं है, इसलिए उनको अपने साथ ही लेके गए हैं और सभी चीज़ बताने वाले हैं। तो 3 दिनों तक भाई वो लोग बाहर में रहेंगे, और सही है दोस्तों NS रहेगा घर में, और इसको मैं अंदर कर देता हूँ भाई रूट जो बोल्डों को, लेके आ गया हूँ दोस्तों बिस्किट, तो अभी खाते हैं भाई। दोस्तों अभी शाम हो गया भाई और अभी उठ गया हूँ, एक भैया ने कॉल किया था मुझे तभी उठा हूँ भाई, क्योंकि अभी तो और सोना था मेरे को, बट दोस्तों अब मुझे काम मिल गया है, काम मिले तो वो ज्यादा नहीं था अभी काउंटर वेटर में, बट वो काउंटर वेटर नहीं है इस बार सर्विस है भाई, समझ गया ना, तीन उंगली में फिर प्लेट लेके जाते हैं, फिर सर्विस जो भी है वो चीज करने वाला है भाई, उसका ऑर्डर मिल चुका है, अब मेरे को 10 लड़कों का ऑर्डर मिला भाई, तो 10 लड़के मुझे लेके जाना है, सीनियर हूँ भाई, बहुत मेहनत किया है भाई इस पोजीशन को पाने के लिए, और तुम्हारा भाई का जैसे भी हो नाम चलता है भाई, 1 बजे 2 बजे तक कॉल आते हैं इसके मतलब इस काम के लिए, बट वो कोई अच्छा नहीं है, बट भाई पैसा से भी नहीं है, अभी कॉलेज का फीस भी बटाना है इसलिए जाना पड़ेगा भाई, 10 लड़के लेकर जाऊंगा, कुछ ना कुछ कमीशन वगैरह धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मिलता है जो भी मिलेगा आप लोगों को, कि इस काम में क्या क्या सीन होता है, कितना पैसा है, क्या कितना मिल जाता है, किसी किसी को कितना नहीं मिलता, कितना नया को देना पड़ता है, कितने पुरानों को, वो सभी चीज़ों को आप लोगों को किसी दिन या फिर आज के इस व्लॉग में बताऊंगा, बट अभी चलता हूँ दोस्तों सभी लड़कों को रेडी करने के लिए। तो दोस्तों तो अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं दोस्तों, और अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट NS125 में, वहाँ का नहीं है भाई झोला पकड़ने का है ही नहीं यार, तो कहाँ पे रखूँ, वही साइड में है, और चलते हैं दोस्तों अभी, फिर उधर से आने के बाद मैं सभी लड़कों को कॉल करूंगा, सुंदर को बोल दिया हूँ, आप सुंदर देख लेगा अपना जो भी है खास बंदा है भाई मेरा सुंदर, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, बट अभी चलते हैं दोस्तों फटाफट मार्केट। तो दोस्तों तो बाजार आ गया हूँ, यहाँ का बाइक को पार्क कर दिया हूँ और ये देखो बाजार भाई,
तो चलते दोस्तों सामान लेते हैं, फिर आप लोग जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भाई घर निकलेंगे। तो दोस्तों मार्केट वगैरह कम्प्लीट हो चुका है मेरा और यहाँ का सामान रख लिया है, टमाटर लौकी वगैरह बहुत सारे, मिर्ची वगैरह है, अंदर बहुत सारे सामान है भाई। जितना जल्दी करने का कोशिश करें उतना ज़्यादा टाइम हो रहा था भाई, और यहाँ का भीड़ बढ़ चुका है क्योंकि अभी कने हो गया है भाई शाम के 6:11, तो भीड़ भी बढ़ चुका है। और चलते दोस्तों अपन लोग घर, अब मेरे को भाई दूसरा काम करना है, वही लड़के रेडी करने का। फिर टेंशन है भाई, एक और टेंशन हो गया है आज पूरा दिन, वही मतलब टेंशन कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा उसका भाई। तो चलते फटाफट दोस्तों, उसके बाद फिर बाकी बातें घर में चल के करते हैं। तो दोस्तों घर आ गया हूँ, बट मेरे को वही अपना काम करना है, तो फटाफट चलते हैं भाई बाइक ही में फटाफट, उसके बाद फिर करते हैं भाई वो। तो दोस्तों तो अभी छत में आके बैठा हूँ, खाना वाना खा के जस्ट अभी आया हूँ, और आप लोगों को कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। ये जो काम है ना भाई, 10 लड़कों का काम मिला है मुझे, बट 10 लड़के नहीं है मेरे पास, 5 लड़के हुए हैं जो कि कल जाने वाले हैं, और उनमें से भाई 3 लड़के ने बोला भाई कि एक ही दिन करेंगे काम, उसके बाद फिर दूसरे दिन अपन लोग सुबह आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई कोई गल नहीं, तुम लोग जैसा बोलो वैसे सही है भाई। तो वही एक दिन करने वाला है, फिर मैं और सुंदर रहेंगे भाई 2-3 दिनों तक अपन लोग करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं हेड हूँ और मैं जब तक काम सीखा नहीं रहूँगा अच्छे से, तब तक मैं काम कैसे करूँगा भाई। इसलिए भाई मैं 2-3 दिनों तक रहूँगा, फिर उधर का भी मामला देखूँगा। वैसे मैं बहुत जगह देखूँ भाई, घूमा हूँ, काम किया हूँ, बहुत सारा मतलब एक्सपीरियंस है, तभी ये लड़के चला रहा हूँ, और लड़के मेरे से सही भी चल रहा है। बट मेरे को इन सभी चीज़ों में और कुछ जानकारी बोले तो ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना है, तो जैसा जानकारी मिलेगा यार वैसी अच्छा है, और जितना जानकारी रहेगा उतना ही अच्छा है भाई। पैसा का सीन कुछ ऐसा है कि पूरे भाई 10 बजे से लेकर आप लोग पार्टी खत्म होने तक काम करेंगे ना, तो भाई उसका मिलता है भाई, ज़्यादा मिलता है, बहुत ही ज़्यादा मिलता है। बट मेरे को अभी मिल रहा है भाई 700 रुपये मिल रहा है, और बहुत ही ज़्यादा मिलता है, 2000-3000-4000 तक भगता है भाई एक लड़के का, भाई एक लड़के का मात्र बहुत ही ज़्यादा पैसा है, बस मेरे को मिल रहा है भाई 700 रुपये, क्योंकि मेरे को उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं वहाँ रुकूँगा 2-3-4 दिनों तक, और फिर अच्छे से एक्सपीरियंस लूँगा भाई सभी से, और जानकारी भी लूँगा, उसके बाद फिर मैं अपना खुद का कर सकता हूँ और सही भी रहेगा, उसके बारे में अपन लोग सोचेंगे बाद में। बट दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि हाफ रोजी का कितना रहता है पता है, 5 से 6 बजे, 6-7-8 बज जाता है दोस्तों पार्टी चालू होने में, फिर हाफ रोजी वही रहता है 7 से 8, पार्टी चालू होता है फिर पार्टी ख़त्म होने तक काम करते हैं, उसको भाई हाफ रोजी बोलते हैं, उसका रहता है भाई 500 रुपये, और 500 रुपये मेरे को मिल भी रहा है, बट मैं 500 रुपये हर बंदे को नहीं देता, मैं हर बंदे को बोले तो किसी को नहीं देता, 400 रुपये देता हूँ, 100 रुपये कमीशन मारता हूँ। अब ये चीज़ कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि कमीशन खाता है ऐसा वैसा, पूरा दुनिया इसी में चलता है भाई, पूरा दुनिया ऐसी करते हैं। और वैसे भी जो मेरे गांव के बंदे लोग हैं ना, वो भाई भैंस वगैरह, बैल वगैरह, गाय वगैरह चराते हैं भाई, तो उनको ये सभी चीज़ों का नॉलेज नहीं है भाई। प्लस होटल वगैरह जाते हैं तो अच्छा खाना वाना खा लेते हैं बढ़िया से, और वहाँ का देखते भी है क्या क्या चीज़ है, उनको काम वगैरह नहीं आता, इसलिए भाई 400 रुपये दे रहा हूँ, मेरे को बस काम आता है, क्योंकि मैं पूरा दुनिया नहीं भाई सॉरी बिलासपुर सिटी देखा हूँ भाई, मेरे को पता है काम का ये सब एक्सपीरियंस वगैरह, और यही चीज़ है दोस्तों। बाकी तो सबका देता हूँ, जैसे कि सुंदर को भाई पूरा पैसा देता हूँ भाई, उसका 1 रुपये नहीं खाता, क्योंकि मेरे को पता है भाई वो बहुत ही ज़्यादा काम करता है। और ये जो लड़कों का 100 रुपये भी खा रहा हूँ ना, तो इसका मेन रीज़न है दोस्तों, उनके पीछे मैं पूरे भाई लगातार पूरा समय लगा रहता हूँ कि भाई काम में जाना है कि नहीं, ऐसा है वैसा इधर उधर, फिर अपना वो लोग भाई जो भी है मन रखते हैं भाई मेरे सामने कि नहीं जाना है जाना है, ऐसा भाई पूरा 2-3 घंटों के बाद बताते हैं भाई, और फिर मैं लेके जाता हूँ अपने सभी चीज़, मेरे को टेंशन रहता है भाई सभी चीज़ों का, इसलिए भाई हर किसी के पीछे 50 से 100 रुपये खाता हूँ भाई, तो मेरा कम हो जाता है भाई, प्लस उधर से भी मिलता है, प्लस मेरा रोजी, और प्लस गाड़ी किराए का 2-4 रुपये नहीं भाई, कुछ ज़्यादा 100-150 रुपये बच जाता है, वो भी मेरा ही हो जाता है, क्योंकि इन सभी का भाई जो भी है भाई टेंशन वगैरह वो तो मैं बस अपने अंदर समेट कर रखता हूँ ना भाई, मेरे को टेंशन रहता है 24 घंटे, तो इसलिए भाई थोड़ा थोड़ा खाना तो बनता ही है। अगर दोस्तों मैं 10 लड़के लेके जाता, बट अभी तो 5 हुए हैं, बट 10 लड़के लेके जाता भाई, तो हर एक बंदे के पीछे भाई 100 रुपये खाता, सुंदर के पीछे भी मान लो एक उदाहरण है, हर लड़के के पीछे भाई करीबन 100 रुपये खाता, तो मेरा कितना होता पता है, फुल डे का भाई 700 रुपये रहता है, तो हर 10 लड़के के पीछे भाई 100 रुपये निकालूंगा ना, तो 1000 होगा भाई एक दिन का, और मेरा भाई 700 रुपये, तो 1700 रुपये एक ही दिन का बन गया भाई। ऐसी भाई काम चल गया तो भाई 17000 रुपये कमाऊंगा, वो भी 10 दिनों में भाई, एक प्राइवेट जॉब करने वाले बंदे से भी ज़्यादा भाई, वो भी 10 दिनों भाई, वो पूरा महीने भर लगा देगा, मैं 10 दिनों में कमाऊंगा, ये होता है एक ठेकेदार का पावर भाई। तो दोस्तों ये चीज़ें बहुत सारा पैसा कमाऊँ अभी, इसलिए भाई अपने फ़ोन को भी लिया हूं, और काफ़ी सही भी है भाई, मेहनत का पैसा भाई, ऐसे नहीं फालतू चीज़ का पैसा भाई, देर रात मेहनत करता हूं, प्लस भाई इन सभी को लेके जाता हूं काम में, इनको पता नहीं है किसी चीज़ का भाई, नॉलेज भी नहीं है, तो मैं लेके जाता हूं तो कुछ इधर उधर हो जाता भाई, सही है भाई, कोई चीज़ गलत नहीं है भाई, आज के समय में सब सही है भाई, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो दोस्तों
जाता हूँ नीचे अपने रूम में, फिर लेट के भाई एडिट वगैरह करता हूँ, उसके बाद फिर जल्द सो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि कल सुबह आप लोगों को काम में भी जाना है। सुबह नहीं जाना है, शाम को जाना है, वही हाफ टाइम का काम है। तो दोस्तों तो एडिट वगैरह कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, तो इस ब्लॉग वीडियो में के लिए देन करता हूँ। आशा है कि आप लोगों को टास्क के लिए वाला ब्लॉग पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दिया, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। फिर मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।